हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 13। हमने पढ़ लिया था जिसमें गढ़ा खजाना एक बूढ़े किसान के बारे में कहानी है। इसमें परिश्रम के महत्व को बताया गया था। बच्चों, आज हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है? अभ्यास में वाचन कौशल के बच्चों प्रश्न उत्तर पहले हमने कर लिए हैं और लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे, ठीक है? वो आज अपने अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है, ठीक है? ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे करने हैं आपने। ये हैं लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर। आप सबसे पहले यहाँ पे तारीख डालोगे, जो आज की तारीख है 18 नवंबर 2020 और आज का दिन है बुधवार, ठीक है? पार्ट नंबर 13 कर रहे हैं हम, पार्ट नंबर 13 और लेखन कौशल, ठीक है? लेखन कौशल का प्रश्न नंबर है क। किसान ने अपने बेटों से क्या कहा? उत्तर है, किसान ने अपने बेटों से खेत में दबा खजाना निकालकर और आपस में बांटने के लिए कहा, ठीक है? फिर आगे है प्रश्न नंबर ख। ख है, किसान के बेटे खजाना ढूंढने कहाँ गए? किसान के बेटे, उत्तर है, किसान के बेटे खजाना ढूंढने खेत में गए, ठीक है? ये है प्रश्न नंबर ख। फिर है ग, किसान अपने बेटों से खेत पर किस तरीके से कार्य करवाता रहा? किस तरीके से बच्चों कार्य करवा रहा था वो, क्योंकि उनके बहाने से उनको कह रहा था कि आज खजाना होएगा, यहाँ होएगा, तो इस करके वो बहानों से उन पे काम से काम पूरा करवाता रहा और जब तक फसल पूरी पककर तैयार नहीं होगी तब तक वो फसल बहाने लगा के उनसे काम करवाता रहा। तो उत्तर में लिखेंगे, किसान अपने बेटों से किसी न किसी बहाने से कार्य करवाता रहा। किसान के बेटों ने पूरे खेत की खुदाई कर दी थी, फिर किसान ने कहा कि अब इसमें बुआई कर दो ताकि तुम्हारी मेहनत खराब ना हो। इस तरह वो उनको बहाने लगाता था और बच्चे, वो उनके जो किसान के बेटे थे वो काम करते थे जब तक उनकी फसल तैयार नहीं हो गई थी। फिर आगे है प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर ग में बच्चों क्या पूछा है? ग है, किसान ने अपने बेटों को किस खजाने से परिचित करवाया? किसान ने, उत्तर में लिखेंगे, किसान ने अपने बेटों को फसल रूपी खजाने से परिचित करवाया। किसान ने अपने बेटों से कौन से खजाने से परिचित कराया था? फसल रूपी खजाने से परिचित करवाया। तो इस तरह उनको परिश्रम करने के बारे में ज्ञान हुआ कि परिश्रम करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये प्रश्न उत्तर बच्चों आपने अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं और इसको अच्छे से याद भी करना है, ठीक है? अब हम इसका आगे करेंगे, लेखन कौशल के आगे प्रश्न उत्तर हैं। लेखन कौशल के हमने पहला प्रश्न कर लिया है, अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सही पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क है, मनुष्य को आलस्य या काम बेकार कर देता है। क्या बेकार कर देता है? आलस्य। आलस्य पे हमने टिक मार्क करना है। आलस्य होता है तो वो मनुष्य को बेकार कर देता है। ख है, हमें माँ बाप की कमाई का दुरुपयोग या सदुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें माँ बाप की कमाई का क्या करना चाहिए? दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। फिर आगे है ग, हमें प्रत्येक कार्य को मेहनत या काम चोरी से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? मेहनत से। तो हम मेहनत पे टिक मार्क कर देंगे। फिर है घ, मेहनत का फल हमेशा कैसा होता है? मीठा या कड़वा। कैसा होता है? मीठा। तो मीठा पे हमने टिक मार्क करना है। तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है? फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में उचित मिलान करो। हमने उचित अक्षर, उचित वाक्य को सही शब्द से मिलान करना है। जैसे क है, मेहनत करने से अवश्य मिलती है। मेहनत करने से अवश्य क्या मिलती है? सफलता। तो हम सफलता को इससे मिलान कर देंगे। फिर ख है, हमें जी नहीं चुराना चाहिए। जी नहीं चुराना चाहिए, तो इससे क्या आएगा? मेहनत। मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। ग है, बड़ों की बात का हमेशा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर। तो क्या करना चाहिए इसका? आदर। फिर है घ, मेहनती लोग हमेशा रहते हैं, क्या रहते हैं? खुशहाल।
तो मेहनती लोग हमेशा रहते हैं खुशहाल, तो हम इसको खुशहाल से मैच कर देंगे। फिर बच्चों आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं, जैसे हट्टे कट्टे। हट्टे कट्टे के वाक्य में प्रयोग करेंगे हम गांव के लोग हमेशा हट्टे कट्टे रहते हैं। फिर है आलसी। आलसी शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग करना है, आलसी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता। फिर है खेत। खेत शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, किसान अपने बेटों के साथ खेत पर गया। ठीक है। फिर है खजाना। खजाना का वाक्य में प्रयोग करेंगे, खेत की खुदाई करने पर खजाना मिला। ठीक है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4, वाक्यों का शब्द का वाक्य में प्रयोग। फिर आगे बच्चे इसमें भाषा कौशल दिया गया है। भाषा कौशल में ये संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया है। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं बच्चों, जिस शब्द में दो व्यंजन इकट्ठे आते हैं, जो पहला व्यंजन होता है वो आधा होता है, उसमें अ नहीं होता, वो आधा आता है, और जो दूसरा व्यंजन है वो पूरा आता है। जैसे चम्मच, चम्मच में हम चम्मच ऐसे लिखते हैं, इसमें दो म आते हैं, दो व्यंजन हैं ये, पहला म आधा आएगा और जो दूसरा व्यंजन है म है वो पूरा आएगा। ठीक है। ऐसे ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जैसे जज वाले जो शब्द है, जैसे यहाँ लिखा है छज्जा लज्जा इज्जत, इसमें आई जो दो व्यंजन दिए गए हैं संयुक्त व्यंजन ज है, आधा जो पहला व्यंजन है वो आधा आता है और जो दूसरा व्यंजन है वो पूरा आता है। ऐसे कक वाले दिए गए हैं यहाँ शब्द, पक्का हक्का बक्का। फिर सत है अस व्यस्त मस्त, बब से रब तिब्बत अब्बा, नन से भिन्न अन प्रसन्न, दद से गद्दा लद्दाख उद्यान। तो ये शब्द है बच्चों संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। फिर बच्चों आगे नीचे दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न बनाने के लिए क्या कौन कैसे कहां आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है किसान किस गांव में रहता था, किसान कहाँ रहता था। जैसे उदाहरण दिया है किसान एक गांव में रहता था, तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, किसान कहाँ रहता था। तो ऐसे बच्चों प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न बनाने हैं हमने। ठीक है। जैसे क दिया हुआ इसमें, रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था, तो इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रामलाल कहाँ रहता था। तो इससे कहाँ जो शब्द है वो प्रश्नवाचक शब्द है, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो क्या बन जाएगा, ये रामलाल कहाँ रहता था, और प्रश्नवाचक शब्द के पीछे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। फिर ख है किसान के बेटे बहुत आलसी थे, तो किसान के बेटे कैसे थे, कैसे प्रश्नवाचक शब्द का हमने प्रयोग किया, तो ये वाक्य बन जाएगा प्रश्नवाचक, किसान के बेटे कैसे थे, तो इसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। फिर ग है वे खेत में खुदाई करने गए, खुदाई करने गए, इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे, वे खेत में क्या करने गए, क्या करने गए, तो इसको प्रश्नवाचक बना दिया हमने, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। फिर ग है किसान अपने बेटों को मेहनती बनाना चाहता था, किसान अपने बेटों को क्या बनाना चाहता था, क्या बनाना चाहता था, मतलब यहाँ प्रश्नवाचक है तो यहाँ पे भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। आगे है अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। हमने वचन बदले होते हैं बच्चों एक वचन और बहुवचन। जो वस्तु एक होती है उसको एक वचन कहते हैं, और जो एक से ज्यादा होती है उसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ बेटा है तो बेटा का बहुवचन क्या आ जाएगा, बेटे। किसान है तो किसान का वचन बदलो क्या आ जाएगा, किसानों। खजाना है तो खजाने। खेत का बहुवचन खेतों। गांव का बहुवचन गांवों। फसल का फसलों। ठीक है बच्चों, ये था हमारा भाषा कौशल। तो आपने इस पाठ नंबर 13 को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखना है और इससे प्रश्न उत्तर याद भी करने हैं।
ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, धन्यवाद।